हेलो बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप ये जानेंगे कि कैसे आप रोमन नंबर्स लिख सकते हैं। आज मैं आपको यहाँ पर 1 से 50 तक के रोमन नंबर्स लिखना सिखाऊंगा। रोमन नंबर लिखने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 4 अंकों को विशेष तौर पर याद रखना है, जिससे आपके रोमन नंबर लिखने का तरीका बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखें आप कि यहाँ पर आपको ये लिखना है कि 1 को आप एक खड़ी लाइन से प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे। 5 को आप इस साइन से दिखाएंगे जो कि वी दिखता है। 10 को आप एक्स से दिखाएंगे और 50 को आप एल से दिखाएंगे, ताकि ये रोमन नंबर लिखने में आपको आसानी हो। मैंने कुछ लिख दिए हैं नंबर, वो मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। ये देखिए, जैसे आप 1 से 10 तक लिख रहे हैं, तो आप इसको समझते चलिए। देखिए, 1 1 को एक खड़ी लाइन से हमने दिखाया, 2 2 को दो खड़ी लाइन से हमने दिखाया, ये 3 को लिखने का तरीका है, 1 2 3 यानी 3 खड़ी लाइनों से हमने दिखा दिया। अब लिखते हैं हम 4। मैं इसको समझा देता हूं। हमेशा चौथा पद आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। आप देखिएगा, जैसे 4 लिखना है आपको, ये हो गया आपका 5। अगर हम कोई पद, कोई भी टर्म इसके बाद लिखते हैं, तो वो गिनती में इसके बाद आती है। जैसे आपने 5 के बराबर में ये 1 लिख दिया, तो ये हो गया आपका 6। अगर यही टर्म आप यहां पर लिखते इससे पहले, तो ये इसमें से एक घट जाता, यानी कि इसमें से 4 को, ये जो 5 है इससे पहले 1 लिख दिया गया है, यानी 5 - 1 यानी 4। अब 5 को लिखने का तरीका आपको सिखा दिया गया है, ये सीधा है। 5 6 5 के बराबर में 1 7, 5 के बराबर में आपने 2 डंडे लगा दिए तो ये 7। 8 5 के बराबर में 1 2 3, तो 5 और 3 कितने हो गए? 8। अब आता है 9। 9 को हम ऐसे डंडे नहीं खींचेंगे कि हम 4 डंडे खींचते हैं, तो 4 डंडे आपको हमेशा कभी नहीं खींचने। आप ध्यान से देखिएगा, आप 10 को कैसे लिखते हैं? एक्स से। अभी मैंने आपको समझाया कि अगर आप एक्स से पहले 1 लिख देंगे, यानी ये 1 डंडा लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका? 10 - 1 = 9, यानी कि 9 को हो गया ix 1x। 10 को आपने लिखा x। अब हम इसको बिल्कुल बच्चे की तरह से सीखेंगे। अब आपने 10 तक लिख दिया, अब 11 कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा, ये आपका 10, और अभी आपको 1 कहां लगाना है? 10 के बाद। ये देखिए, ये वाला 1 इसके बगल में लिख दीजिए, 11। अब देखिए, 10 इसके बराबर में ये 2 लिख दीजिए, यानी कि ये हो गया 12। फिर आपका 10 ये 3 इसके बराबर में लिख दीजिएगा, तो ये हो गया आपका 13। अब आपका हो गया x। अब हम 10 10 लिखते चले जाते हैं बच्चे की तरह से देखते हुए। अब ये जो पद यहां लिखे हैं, ये आप इस 10 के बराबर में उतारते चले जाइए, तो खेल खेल में आप सीख जाएंगे। ये हो गया आपका 14 15, इसके बराबर में लिख दिया आपने 16, ये हो गया आपका 17, ये हो गया आपका 18, ये हो गया आपका 19, और 10 के बराबर में 10 लिखकर हो गया आपका 20। अब आप लिखेंगे 20 से। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है, आप सब जगह लिखकर 20 लिखते हुए चले जाइए। आप ये 20, ये 20, ये 20, ये 20, 20, 20, 20, 20। क्या करना है आपको? ये जो पद यहां लिखे हैं, इनके बराबर में इनको उतारते हुए चले जाइए आप। ये देखिएगा, 21 22 25 26 27 28 29 और ये 30। तो यहां 30 तक पूरा हो गया। अब 30 के बाद चलते हैं। देखिए आप, यहां पर आपने लिख दिया, ध्यान से समझते चलेंगे, 30 31 32 33। ये देखिए, ये वाला उतारना है अब आपको यहां पे, 34 35, फिर ये वाला उतारना है अब आपको यहां पे, 36, ये हो गया आपका 37 38। अब आप ध्यान से देखिएगा, 39। अब आपको लिखना है 40। मैंने आपको कहा था 4 बार रिपीट नहीं करेंगे, अब 40 नहीं लिखेंगे। ध्यान से देखिए, आप 50 को कैसे लिखते हैं? एल से। आपको बता दें, अगर हम एल से ठीक पहले एक्स लिख दें, तो 50 में से 10, क्योंकि ये 10 होता है, 50 में से 10 गया तो कितने बचते हैं? 40। तो ये हो गया आपका 40। अब इससे बाद आपको चलना है, यहां पर लिख दीजिए, यही पद उतारते हुए चले जाइए, 41 42 44 45 46 47 48
49 और 50 आप जानते ही हैं, 50। तो 1 से 50 तक के रोमन नंबर को आप इसी तरह से बहुत आसानी से खेल खेल में लिख सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा, तो आप इसे और आसानी से लिख पाएंगे। उम्मीद करता हूं आप ये रोमन नंबर को, 1 से 50 तक के रोमन नंबर को लिखना आसानी से सीख गए होंगे। तो प्रैक्टिस करिए, मेरे वीडियो को पसंद किया है, आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए। थैंक यू।